हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। जो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो संडे कमेंट बॉक्स का है और इस वीडियो में आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाई ही मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं पंकज का। इन्होंने पूछा है कि 500 रुपीज विड्रॉल यूटिलिटी टू आईएमपीएस में होगा क्या? इन्होंने पूछा है कि 500 रुपए का विड्रॉल यूटिलिटी में होगा या आईएमपीएस में लगेगा या आईएमपीएस में भी लगा सकते हैं। देखिए सर जी, आपने एमडी सर का वो वीडियो ऑडियो आपने सुना होगा, तो उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि जो मेंबर्स गोल्ड आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं और वो सिंगल काम कर रहे हैं या कुछ मेंबर के साथ काम कर रहे हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं हो रही है, उनकी इनकम कम हो रही है, तो वो चाहे तो गोल्ड एक्टिवेशन किए बगैर वो 500 रुपीस का रिचार्ज वॉलेट यानी यूटिलिटी वॉलेट में विड्रॉल लगा सकते हैं। वो आईएमपीएस में नहीं लगा सकते हैं, वो यूटिलिटी वॉलेट में ही सिर्फ विड्रॉल लगा सकते हैं। और यूटिलिटी वॉलेट में जो कंडीशन रख दी गई है वो है मिनिमम 500 रुपीस और मैक्सिमम 500 रुपीस, कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही आप रिचार्ज वॉलेट में विड्रॉल लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का और इन्होंने पूछा है कि सर, फर्स्ट विड्रॉल 150 रुपए की करनी पड़ेगी क्या? हाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट विड्रॉल है अभी तक जिसने ये 10 तारीख के बाद 10 फरवरी के बाद जिन लोगों ने भी विड्रॉल नहीं लगाया है, जिन लोगों ने 10 फरवरी के बाद विड्रॉल नहीं लगाया है, उन सभी को फर्स्ट विड्रॉल जो होगा वो पिन वॉलेट में 150 रुपए का लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो आईएमपीएस चाहे जिसमें भी चाहे उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर वो गोल्ड एक्टिवेशन करते हैं तो किसी में लगा सकते हैं, गोल्ड एक्टिवेशन नहीं करते हैं तो वो रिचार्ज वॉलेट में 500 रुपए का लगा सकते हैं। उससे पहले उनको एक 150 रुपए का पिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके एक पिन बनानी होगी 124 वाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या ये सच है? हाँ सर जी, बिल्कुल सच है। ये MP3 लैब के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिल्कुल सही है और ये अपडेट बिल्कुल करेक्ट है और लेटेस्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी पंकज का है। इन्होंने पूछा है कि भाई, मेरा RSGO24 अकाउंट डेट 20/2/2020 152 रुपीज यूटिलिटी वॉलेट में कैसे ऑटोमेटिक कट गया, प्लीज बताइए। देखिए आपका 20/2020 क्या वो 11-12 तारीख को ही कट गया होगा? वो जो भी आपके यूटिलिटी वॉलेट में पैसा था वो पैसा कट के कहीं और नहीं गया है, आपका बैलेंस वॉलेट बैलेंस मनी में ही गया है। आप वॉलेट इन्फो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वॉलेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर लाइफ टाइम यूटिलिटी मनी शो करेगी। लाइफ टाइम यूटिलिटी मनी के सामने व्यू डिटेल होगा, व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिखाएगा कि पहले आपका 11 तारीख से पहले आपका पैसा कितना था और 11 तारीख के बाद जो रिचार्ज वॉलेट में पैसा आया, रिचार्ज वॉलेट से पैसा आया 15% जोड़ के, तो उसके बाद आपके बैलेंस मनी में कितना पैसा हो गया है। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बैलेंस मनी में पैसा आ चुका है। इसके अलावा अपडेट आने के बाद काफी सारे लोगों का थैंक्स आ रहा है एमडी सर की तरफ से, उन लोगों का भी नाम मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। ये वीडियो आने के बाद लेटेस्ट अपडेट वाला जो लेटेस्ट अपडेट आया था एमडी सर का, ये वीडियो आने के बाद सबसे पहला कमेंट्स किया था मानस रावत ने और इन्होंने लिखा था थैंक्स, और उसके बाद कमेंट्स किया था राजेंद्र ने, इन्होंने पूछा था होप आई विल गेट माय 124 बैक। इसके बाद MP3 लैब ने किया था क्या ये सच है। उसके बाद अभिषेक कुमार ने क्वेश्चन पूछा था जो हमने आपको बताया, और इसके बाद प्रवीण मेहरा ने पूछा था, प्रवीण मेहरा ने कमेंट किया था, उसके बाद कमेंट्स किया था हरेंद्र कुमार ने, इन्होंने कहा था गुड न्यूज़ है सर। उसके बाद भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और विश्वजीत ने भी कहा था थैंक यू सर। उसके बाद पद्मा
पटनायक ने भी क्वेश्चन किया था, थैंक्स राजीव सर। तो काफी लोगों ने थैंक्स किया है और थैंक यू कहा है ये अपडेट देने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कल की अपडेट आप सभी को पसंद आई होगी और आपके जो उस पर कमेंट्स आए थे और जो आपके कमेंट्स थे उसके रिप्लाई भी अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का संडे कमेंट बॉक्स में आए, तो फ्राइडे से सैटरडे के बीच में ये पोस्ट आती है संडे कमेंट पोस्ट, उसमें आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं या वीडियो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें #hasonlineearning लिख के अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपके कमेंट्स को जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अपडेट भी पसंद आया होगा और आपके जो क्वेश्चन थे उसके रिप्लाई भी पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।